किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा करना हमेशा नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। अब कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है और आप उसे बार बार कर रहे हैं तो वो एक तरह की लत होती है, आप उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। लत किसी भी चीज़ की हो सकती है और ऐसी एक ख़राब लत है रील्स देखने की। यू मे बी थिंकिंग कि रील्स देखने में क्या बुराई है। आप हो सकता है कि वो निब्बा निब्बी वाले टिकटॉक टाइप का क्रिंज कंटेंट ना देखते हो, बट स्टिल इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। व्हाई? बिकॉज रील्स आर एडिक्टिव, इट वेस्ट योर टाइम एंड इट रिड्यूस योर अटेंशन स्पैन। रिसर्च के हिसाब से 2002 के आसपास ह्यूमंस का एवरेज अटेंशन स्पैन 12 सेकंड का था, जो घटकर 2021 में सिर्फ 8 सेकंड का हो गया। यू मे बी सरप्राइज कि जो लो अटेंशन स्पैन होता है वो एक गोल्ड फिश का होता है 9 सेकंड का, अब हमारा उससे भी कम हो गया है। लो अटेंशन स्पैन मीन्स लो मेमोरी पावर। अटेंशन स्पैन में 4 सेकंड की गिरावट बहुत बड़ी है, क्योंकि ये हमारी मेमोरी पावर को बहुत ज़्यादा हद तक अफेक्ट करेगी। हमारे अटेंशन स्पैन में 4 सेकंड का डाउनफॉल आया कैसे? दरअसल पहले लोग बुक्स पढ़ा करते थे, एक बुक को ख़त्म करने में कुछ वीक्स लगते थे, कई बार महीने लग जाते थे, तो सारा ध्यान एक किताब में रहता था। फिर मूवीज़ आ गई जहाँ पर 3 घंटे में एक कहानी ख़त्म कर दी जाती थी। फिर मूवीज़ का जो टाइम होता था उसको भी घटा के 1.5 घंटे कर दिया गया। उसके बाद यूट्यूब के वीडियो आ गए और उसके बाद आए शॉर्ट्स और रील्स, जहाँ पर 30 सेकंड से लेके 1 मिनट में आपके सामने नया कंटेंट आ जाता है और हर 10 सेकंड में आप स्क्रॉल करके नई चीज़ अपने सामने ला सकते हैं। और अगर हम दूसरे एस्पेक्ट भी देखें तो आपको ये भी समझ में आएगा कि रील्स का कंटेंट उतना कुछ खास नहीं होता। जो मोस्ट ऑफ द रील्स जो मिलियंस में जिसके व्यू रहते हैं वो या तो किसी लड़की का डांस रहता है या कोई लड़का लिप सिंक करता होता है मेकअप लगा के। सो द कंटेंट ऑफ द रील्स आर नॉट दैट गुड, स्टिल दे आर सम गुड थिंग्स, बट मेजोरिटी ऑफ कंटेंट ऑफ रील्स आर टोटली अ गार्बेज। बट द क्वेश्चन इज व्हाई दीज रील्स आर सो एडिक्टिव, हमें रील्स की लत क्यों लग जाती है। देयर आर 3 रीजन बिहाइंड दैट। फर्स्ट वन, जब भी आप इसे खोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप रिवार्डेड हो रहे हैं, आपको कुछ नया देखने को मिल रहा है, इससे डोपामाइन रिलीज होता है और ये इस चीज़ की हमें लत लग जाती है। नंबर टू, रील्स आर अनप्रेडिक्टेबल। स्क्रॉल करने के बाद क्या कंटेंट आएगा, किस तरह का कंटेंट आएगा आपको नहीं मालूम, तो अंदर से ये एक तरीके का एडिक्शन क्रिएट करता है। एंड द लास्ट वन इज द एंडलेस स्क्रॉलिंग, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। आप स्क्रॉल करते रहिए 3 घंटों तक, ये 3 घंटे तक आपको नई नई रील्स 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट की दिखाता रहेगा। चलिए बीमारी तो बता दिया, पर इसका सॉल्यूशन क्या है? 3 सिंपल स्टेप हैं बस, और ये समस्या आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। स्टार्ट रीडिंग। मैं आपको बुक पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप ब्लॉग पढ़िए, कोई पोस्ट हो जिसमें लॉन्ग कंटेंट हो, टेक्स्ट कंटेंट, उसको पढ़िए। स्टार्टिंग में ये थोड़ा हार्ड होगा, बट वंस यू स्टार्टेड तो इसकी आपको आदत हो जाएगी, तो आप रील से अपने आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि नाउ यू आर लाइकिंग द टेक्स्ट कंटेंट रेदर देन अ 30 सेकंड ऑफ वीडियो। नंबर टू, स्विच ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ योर सोशल मीडिया ऐप्स। व्हाई? बिकॉज जब भी नोटिफिकेशन आता है आपका ध्यान उस नोटिफिकेशन में जाता है और क्या चीज़ हुई है आप उसके पीछे भागने लगते हैं, तो डेफिनेटली इट अफेक्ट्स योर अटेंशन स्पैन। तो नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए ताकि आपका ध्यान उस साइड ना जाए। नंबर थ्री एंड क्वाइट सिंपल वन, स्टार्ट वॉचिंग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। यूट्यूब के वीडियोज़ देखिए जो 10 मिनट के होते हैं, 7 मिनट के होते हैं, जिन पे डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है। उससे क्या होगा कि जो आपकी एक लत लगी है हर 30 सेकंड में कुछ नया देखने की, वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी, एंड यू कैन स्टिल गेट अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स फ्रॉम यूट्यूब। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि रील्स किस तरीके से आपको बर्बाद कर रही हैं एंड आप उससे कैसे बच सकते हैं। आई नो दे आर वेरी गुड कंटेंट कि जहाँ पर आपको सीखते हैं, कुछ लर्न करते हैं रील्स से, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपके अटेंशन स्पैन को बहुत ज़्यादा कम कर रही है। एंड एज आई मेंशन कि रील्स का कंटेंट कितना अच्छा है वो हम सब जानते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन गिव मी अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू वर्क ऑन अदर स्टफ एज वेल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन अनदर वीडियो।